ओबेदुल्लागंज में रहने वाले एक परिवार का बच्चा पिछले 5 दिनों से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है, लेकिन पुलिस को अभी तक गुमशुदा बच्चे की कोई खबर नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका बेटा शासकीय स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जहां उसका किसी बात पर एक बच्चे से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत उस बच्चे ने अपने पिता दयाराम से की, जिसके बाद दयाराम ने लापता जुनेद को फटकार लगाई और घर पर आकर भी धमकाया। उसी दिन से उनका बेटा जुनेद घर से गायब है। दयाराम के बच्चे से झगड़ा हुआ और दयाराम कहाँ ढूंढा आपने बच्चे को? बच्चे को हमने ढूंढ लिया है, सब अब्दुल्लागंज में और फिर इधर मंडी दीप, सब कहीं ढूंढ लिया, नहीं सब कहीं ढूंढ लिया, कहीं बाकी नहीं रहा। पुलिस ने बोला कि सुनने में आ रही है कि आप ही की गलती है, हमने इंक्वायरी कर ली, आप ही की गलती है। फिर उसके बाद में हमने गया तो हम ही को ढूंढते ही रहा था, बोले आप ही की गलती, आपके बच्चे की गलती है। थाना अब्दुल्लागंज में उसकी गुमशुदगी और चूंकि नाबालिग बच्चा है, इसलिए अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और पूरी मुस्तैदी की जांच, उसकी जांच की जा रही है और तलाश की हरसंभव प्रयास की जा रही है। सर, उनके माता पिता ने बताया किसी एक के दूसरे बच्चे के पिता ने उन्हें डराया धमकाया, इस बिंदु पर भी उसकी जांच की जा रही है।